नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उमड़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मां मालती देवी ने फक्र से कहा, मेरा बेटा देश के लिए खेलेगा। इंडियन रेलवे का बिहार वालों को स्पेशल गिफ्ट। गांधी मैदान में 2 साल बाद रावण वध का आयोजन। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर करेंगे कार्य बहिष्कार। पहली बार क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मां मालती देवी ने फक्र से कहा, मेरा बेटा देश के लिए खेलेगा। गोपालगंज के काकड़कुंड गांव से निकलकर मुकेश कुमार ने क्रिकेट की दुनिया के बाद अब टीम में दस्तक दे दी है। मुकेश के इंडिया टीम में चयन होने की खबर मिलते ही मुकेश की मां मालती देवी ने बेटी की सफलता पर फक्र करते हुए कहा कि मेरा बेटा देश के लिए खेलेगा और देश के लिए समर्पित रहेगा। बता दें कि जिला प्रशासन क्रिकेटर मुकेश कुमार को स्वागत के लिए गोपालगंज में आमंत्रित किया है। वहीं जिला प्रशासन ने मुकेश कुमार के परिवार को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर करेंगे कार्य बहिष्कार। 6 अक्टूबर को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। आउटडोर में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर इमरजेंसी एवं इंडोर में भर्ती मरीजों का इलाज जारी रखेंगे। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने बताया कि 6 अक्टूबर को डॉक्टरों द्वारा ओपीडी बहिष्कार किए जाने का समर्थन डेंटल हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन ने भी दिया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने कार्य की अवधि के निर्धारण, बायोमेट्रिक्स को उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को पुलिस ने 2 लोगों को इंडिगो की फ्लाइट से हिरासत में ले लिया है। दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं और वे इंडिगो की फ्लाइट में सवार होकर मुंबई से पटना पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्धों का नाम मुबारक और अशफाक है। SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि हरियाणा STF ने पटना पुलिस को साइबर अपराध के मामले में 2 संदिग्धों के पटना पहुंचने की सूचना दी। इस खबर के बाद पुलिस टीम एयरपोर्ट पहुंची और टर्मिनल भवन के समीप से ही दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। हालांकि उन्होंने कितने रुपए का साइबर फ्रॉड किया इस बारे में जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इंडियन रेलवेज का बिहार वालों को स्पेशल गिफ्ट। महापर्व छठ और उससे पहले दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर इंडियन रेलवेज ने बिहार के लिए स्पेशल गिफ्ट दिया है। बता दें कि छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 3 और स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। रेलवे की ओर से सोमवार की रात स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जमालपुर जंक्शन के रास्ते दिल्ली और भागलपुर के बीच होगा। छठ के आसपास ट्रेनें 5-5 फेरे लगाएंगी। ट्रेनों का परिचालन दिल्ली जंक्शन से होगा। ट्रेनों में स्पेशल और सुपरफास्ट का किराया लगेगा। जनरल स्लीपर से लेकर वातानुकूलित कोच होंगे। खास अंदाज में सज रहा मां मुंडेश्वरी का धाम। बिहार के कैमूर जिला स्थित मुंडेश्वरी मंदिर को देश के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। आपको बता दें कि पहली बार थाईलैंड के फूलों से मुंडेश्वरी मंदिर की भव्य सजावट की जा रही है। माता का धाम सजाने के लिए जहाज से विभिन्न प्रकार के फूलों को लाया गया है। माता रानी के मंदिर को और भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर ने सजावट करने के लिए कोलकाता से कारीगरों को बुलाया है। थाईलैंड से बनारस तक सजावट के लिए फूलों को हवाई जहाज के माध्यम से लाया गया है। उसके बाद फूलों को बनारस से GT रोड के रास्ते से मां मुंडेश्वरी धाम तक लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार देश के ऐतिहासिक माता मुंडेश्वरी मंदिर की भव्य सजावट का कार्य पहली बार विदेशी फूलों से किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी से घटे विदेशी पर्यटक। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके कारण बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। बता दें कि ये बातें IRCTC के अधिकारी के द्वारा कहा गया है, लेकिन अब IRCTC के पूर्वी क्षेत्र के ग्रुप MD जफर आलम ने कहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया ही नहीं है। उनके बयान से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि इससे पहले पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जफर ने कहा था कि शराबबंदी के कारण बिहार को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे लिए जैसे पानी है वैसे विदेशी पर्यटक के लिए शराब है। अगर आप चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए तो उनके हिसाब से खाने पीने की आज़ादी देनी होगी। बिहार के कई जिलों में आज येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज यानी नवमी के दिन बारिश की चेतावनी जारी की है। बाकी माने तो सुबह 11 बजे तक मध्यम बारिश की आशंका थी और बारिश हुई भी। बता दें कि गोपालगंज, नालंदा, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, सीवान में बारिश आज हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील किया है कि खराब मौसम में घरों से बाहर ना निकले। कई जिलों में झमाझम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। वहीं राजधानी पटना में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। गांधी मैदान में 2 साल बाद रावण वध का आयोजन। पटना शहर के गांधी मैदान में 2 साल के बाद रावण वध कार्यक्रम और दुर्गा पूजा का आयोजन बिना किसी प्रतिबंध के हो रहा है। इसे देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में एम्बुलेंस, फायर यूनिट व पेयजल की व्यवस्था की गई है। सेक्टर में अपर जिला दंडाधिकारी और
एसपी को वरीय प्रभार में रखा गया है। पूरे गांधी मैदान व आसपास हाई क्वालिटी के 59 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। गांधी मैदान में अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहेगा। 10 वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही गांधी मैदान की चारों ओर 34 प्रकाश मीनारों से 136 एलईडी मेटल लाइट, 112 पोल लाइट व 15 हाई मास्ट लाइट लगाई गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगा सुविधाओं का विस्तार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुलाकात कर दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के लिए जल्द निर्माण शुरू करने का अनुरोध किया है। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर अब पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट के सामने के अस्थायी वाहन पार्किंग स्थल की खुली डाक से 14 अक्टूबर को समाहरणालय स्थित सभागार में बंदोबस्ती की जाएगी। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च 2023 तक पूरी हो जाएगी। सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 52.5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जून 2023 तक पूरी की जाएगी। दशहरा में लालू यादव के 15 सिर देख चकराए लोग। पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर 15 सिर वाले लालू का पोस्टर देखने को मिला है। यह पोस्टर राजद के ही नेता ने लगवाया है। इस पोस्टर के मध्य में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े तमाम दलों के केंद्र में दिखाने की कोशिश की गई है। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के अलग अलग सिर के रूप में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन सहित अन्य नेता शामिल हैं। इस पोस्टर से यह बताया गया है कि ये सभी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन और जदयू के चुनाव चिन्ह तीर की चर्चा करते हुए कहा गया है कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर सही निशाने पर लगाया जाएगा। इस्तीफे के बाद गरजे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। बिहार में कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद सुधाकर सिंह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और किसानों से मिल रहे हैं। कैमूर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की पहले की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन जो पहले की व्यवस्था थी उसमें हम काम नहीं कर पाते और इसलिए हमने मंत्री पद त्याग दिया है। 45 दिन के कार्यकाल में हमने बागवानी और कृषि को लेकर कुछ काम किया है, खास करके जलाच्छादन को लेकर जो नीति थी उसमें बदलाव हुआ है। पाकिस्तान यात्रा पर जाना चाहते हैं आरजेडी सांसद मनोज झा। राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा की पाकिस्तान यात्रा को केंद्र सरकार ने राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मनोज झा इसी महीने आचार्य वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर जाना चाहते थे। वहां उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, मगर केंद्र से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में उनकी प्रस्तावित पाक यात्रा रद्द हो गई है। इसकी पुष्टि खुद आरजेडी सांसद ने की है। मनोज झा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान यात्रा पर जाने के लिए गृह मंत्रालय से विदेशी अनुदान अधिनियम संबंधी मंजूरी मिल गई, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन्हें राजनीतिक स्वीकृति नहीं दी। इससे उन्हें भारतीय संसद की ओर से यह बताने का अवसर मिलता है कि हम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर और संसद में कैसे लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने की किसानों की आय बढ़ाने की मांग। चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पद यात्रा के क्रम में सोमवार को किसानों से बात करते हुए कहा कि बिहार में कृषि मुताबिक प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। यदि बिहार के किसानों की आय पंजाब के किसानों के बराबर कर दिया जाए तो बिहार का आधा कष्ट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों को ना समय तो से खाद मिल पाती है, ना उनकी फसलों का भुगतान हो पाता है। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले स्थित भितिहरवा गांधी आश्रम से इस पद यात्रा की शुरुआत की है। पहली बार क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज जीतकर पहले ही इतिहास रच चुकी टीम इंडिया के पास पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में क्लीन स्वीप करने का मौका है। इस मैच में केएल राहुल और विराट कोहली नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें आराम दिया गया है। उनके न खेलने का फायदा श्रेयस अय्यर को मिल सकता है, जिनका आखिरी मैच में खेलना लगभग तय है। उनके अलावा इस मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजी क्रम में भी बदलाव हो सकता है और वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिल सकता है। यह मैच होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। देशभर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1968 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 10 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले
वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 41,719 कोरोना सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 19 मरीज ठीक होकर घर पर वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, मुटू रंगेला, मोहम्मद नौशाद रजा, शंकर मुखिया, रंजित मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, भान प्रकाश मौर्य, गुनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, कुलदीप कुमार, नुनू कुमार, अशोक कुमार प्रजापति, कविता कुमारी और विद्यासागर यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा चलाए जा रहे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से लोगों को फायदा मिल पाएगा या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।